फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में क्या फर्क है। जैसा कि हम हाउ आर यू के बारे में जानते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका हालचाल लेने के लिए हम कहते हैं हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। लेकिन कई बार हमें ये भी सुनने को मिलता है हाउ डू यू डू, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है या फिर हम हाउ आर यू की जगह पर हाउ डू यू डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आप हाउ आर यू की जगह पर हाउ डू यू डू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों एक चीज नहीं है, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो आइए देखें वो क्या फर्क है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि इनका मीनिंग क्या है। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। लेकिन अगर हम बात हाउ डू यू डू की करें तो इसका दो मतलब होता है। पहला प्लीज टू मीट यू और दूसरा हेलो। यानी हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे हैं नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है प्लीज टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, या हेलो। और दूसरी बात हाउ आर यू का आंसर I'm fine, thank you and you होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे How do you do? तो आप आंसर में कहेंगे How do you do? जैसा कि आप किसी से कहते हैं Hello, तो सामने वाला भी यही कहता है Hello। या जैसे आप किसी से कहते हैं Hi, तो सामने वाला भी यही कहता है Hi। या जैसे कि आप कहते हैं Please to meet you या Nice to meet you, तो सामने वाला भी यही कहता है Nice to meet you या Please to meet you। या फिर कई बार हम शॉर्ट में सेम टू यू कह देते हैं, जो कि वही बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हाउ आर यू और हाउ डू यू डू के बारे में दो बातें सीखा कि पहला, ये मीनिंग में सेम नहीं है। अगर आपसे कोई कहे हाउ डू यू डू तो आप आई एम फाइन ना कहें, बल्कि आप कहें हाउ डू यू डू। आइए फ्रेंड्स, इनके बारे में तीसरा और अंतिम बात सीख लें। जैसा कि आप जानते हैं हाउ आर यू का इस्तेमाल आप जब जब किसी इंसान से मिलते हैं तो आप करते हैं, यानी जब भी किसी के बारे में पूछना हो कि तुम कैसे हो तो आप हाउ आर यू का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात हाउ डू यू डू की करें, हम किसी इंसान के साथ तब करते हैं जब हम उसे लाइफ में पहली बार मिले हों। अगर आप अपने लाइफ में किसी इंसान से दूसरी बार मिल रहे हैं या तीसरी या चौथी बार मिल रहे हैं तो फिर आप हाउ डू यू डू का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले को ये मैसेज जाएगा कि आप अपनी पहली मुलाकात भूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात आप खास तौर पे याद रखेंगे कि अगर आप अपने लाइफ में किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप वहाँ पर हाउ डू यू डू कहेंगे। लेकिन अगर बात हाउ आर यू की है तो हाउ आर यू के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप हर रोज अपने मिलने वाले से हाउ आर यू बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में क्या फर्क है ये बात समझ में आया। आपने समझा कि हाउ आर यू और हाउ डू यू डू इनके मीनिंग अलग अलग हैं। हाउ आर यू और हाउ डू यू डू इन दोनों का रिप्लाई अलग अलग तरीके से किया जाता है। हाउ आर यू आप हर रोज बोल सकते हैं, जबकि हाउ डू यू डू लाइफ में फर्स्ट मीटिंग में ही बोला जाता है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे खुशी होती है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।